जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, आप कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे कोटक बैंक पे नज़र रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो कोटक बैंक में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं करीब 1770 रुपये से लेकर 1780 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1725 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का। और एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना। स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी। टाटा कंज्यूमर में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं करीब 925 से 930 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 888 के आसपास। ओके, तो टाटा कंज्यूमर 888 का स्टॉप लॉस लगाइए तेजी करने की सलाह यहाँ पर, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1770 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए। सुमित, इसके अलावा और का क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे दो ट्रेड्स रहेंगे और दोनों ही बाय साइड के अपॉर्चुनिटीज है। जो पहला रहेगा वो रहेगा एलकेम लैब। एलकेम लैब देखिए, बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बना है और डबल बॉटम बना के स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया 3650 का। तो कल के आज पूरे सेशन में देखिए अपसाइड में ही मोमेंटम, और अभी भी नियर टू द डे हाई है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी अपसाइड का मोमेंटम बनेगा टिल द लेवल्स ऑफ 3940 एंड 4070। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 3610 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा ग्रासिम का रहेगा। ग्रासिम ने देखिए जो एक अपना सपोर्ट बनाया और एक बाउंस दिया है पिछले रेजिस्टेंस से, वो था जोन करीबन 1850 का। स्टॉक करे अभी 1890 पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहेंगे 1830। ऊपर में टारगेट रहेगा 1948 एंड 1980। ठीक है, दो शेयर ग्रासिम और अल्केम लैब्स। अल्केम लैब्स सुबह किरण जानी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भी लिस्ट में शामिल था, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का कन्विक्शन इस पर आ रहा है। टेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड इनिशिएट करें आखिरी के घंटे में? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे दो ट्रेड्स रहेगी। सबसे पहली ट्रेड जो यहाँ पे है वो पीएफसी में रहेगी। स्टॉक जो यहाँ पे है वो इंट्राडे चार्ट्स पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और डेली चार्ट्स पे भी हमें 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का एक अपमूव देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर बाय कीजिए, 260 का टारगेट रहेगा, 239.50 का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद में आता है वो मैकडॉनल्ड्स का है। फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है, स्टॉक भी जो है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे अगेन इसी स्टॉक ने यहाँ पे 50 पीरियड की अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और वहां से हमें अपस्विंग मूव दिखा रहा है। 1100 के टारगेट के लिए इसको बाय करा जाए और 1019 का स्टॉप लॉस लगाया जाए।